यहाँ से आप राइट जाएंगे तो स्टोर आएगा, सीधा जाएंगे तो गिलगित आएगा। हम जाएंगे ये आ गया भाई डांगा पर्वत व्यू पॉइंट, क्या खूबसूरत मंदिर है भाई। अस्तक नाला कहलाता है ये, ज़बरदस्त पानी चल रहा है। जो माश की दाल होती है ना भाई ढाबों के ऊपर, इसकी बात ही और होती है। सारी जो थकन थी ना वो यहाँ पे आके आपकी दूर हो जाती है। ये खड़ा हुआ है यहाँ पे याक, ट्राउट के फिश फार्म बने हुए भाई। ये देखें भाई, ये है अपर कचूरा लेक और ये आई है हमारी ट्राउट फिश। सामने एयरपोर्ट है, यहाँ आते वक्त यहाँ से बिल्कुल मोड़ करके यहाँ से आते, यहाँ से लैंडिंग हो जाती है। ये है चिकन प्रफू भाई, बड़ी भूख लग रही है इस पर जो है ना, अब रहा नहीं जा रहा मुझसे तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिलास में और आज हमारा सफ़र है स्कर्दू के लिए। चारों तरफ पहाड़ हैं भाई, खूबसूरत नज़ारे हैं, ग्रीनरी है और स्कर्दू हम पहुँचेंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे में। बीच में ज़रा रुकते रुकाते जाएंगे, कुछ हसीन नज़ारे देखते दिखाते जाएंगे और कुछ खाते पीते भी जाएंगे। अभी नाश्ता करेंगे और फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो फिर स्कर्दू चलें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है आप लोगों के, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? नाश्ते की तैयारी हुई हुई है, अच्छा नाश्ता आ गया, मेरा इंतजार हो रहा है। अरे आप शुरू कर देते भाई, नहीं साथ करेंगे। अरे अरे आजा। अरे भाई अंडे आए हैं, आमलेट और ब्रेड भी है, पराठे भी हैं, क्या बात है। कितना टाइम लगेगा तला भाई हमें वहाँ पहुँचने में? 5-6 घंटे लगेंगे ना वहाँ, तकरीबन 4 डे का जो सफ़र है मुख्तलिफ अट्रैक्शन को कवर करते हुए जाएंगे, ऑलमोस्ट 6 to 7 hours। लेकिन जखलोड स्कर्दू रोड जो है बहुत बेहतरीन रोड बन गया है, अच्छा उसकी वजह से बहुत टाइम सेफ हो गया। चलो गुड है यार, नाश्ता करते हैं और आगे निकलते हैं। तैयारी हो गई है सर भाई? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई तो फिर कर दो चले। ये सब लिखा हुआ है, तो रामा चिलम बुर्जिल पास देवसाई स्कर्दू। यहाँ से आप राइट जाएंगे तो स्टोर आएगा, सीधा जाएंगे तो गिलगित आएगा। हम जाएंगे सीधा गिलगित स्कर्दू। टोटल जो है ना वो 18 वैलीज है पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, है भाई? और 18 वैलीज में से हमने नगर देख ली, हुंजा देख ली, आज हम स्कर्दू भी देख लेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरी हुंजा और गिलगित की वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ पे लिंक आ रहा है, आप जाके देख सकते हैं। 2 साल पहले मैं गया था, बहुत ही ज़बरदस्त सीन था। ये आ गया भाई डांगा पर्वत व्यू पॉइंट, माशाल्लाह। चलो भाई इधर ये देखें आप, सामने हमारे नज़र आ रहा है नांगा पर्वत, क्या खूबसूरत मंदिर है भाई। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पहुँचे हैं सर भाई? अस्तक नाला। यहाँ पे हम जरा स्टे करेंगे, थोड़ी देर खाना वाना खाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में, ज़बरदस्त। नाला किधर है? नाला तो पीछे है, चलो नाला तो देखे जाके। उस तरफ आबादी है भाई, वहाँ से ये नाला चल रहा है, अस्तक नाला कहलाता है ये। बड़ा अच्छा सा ये माहौल बना हुआ है यहाँ पे, हम भी यहीं पे बैठेंगे अभी और कुछ खाएं पिएंगे। सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? यहाँ खाना तैयार हो रहा है भाई सारा, क्या क्या है खाने में? खाने में तलवाश है, छोला है, सब्जी पालक है, चिकन है, सूप है, चावल है। ओके चले जबरदस्त। यहाँ का मटन सूप बहुत मशहूर है। मटन सूप मशहूर है, देसी बकरे का। हाँ जी जी, अस्तक नाला में भी। ओके चले जी, आ गया भाई खाना। ये जो है इन्होंने कहा ना कि इनका मटन यखनी सूप जो है वो काफ़ी फेमस है, तो वो ज़रा चेक कर लेते हैं। ये इन्होंने मटन की इसके अंदर बोटियाँ भी डाली हुई हैं, थोड़ा सा मैं ये वैसे ही चमचे से टेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
ये एक नया आइटम है जो यूजुअली इस तरह के ढाबों में मेन्यू में नहीं होता। ट्राई करने के लिए अच्छा है, लेकिन जो माश की दाल होती है ना भाई ढाबों के ऊपर, इसकी बात ही और होती है। ओके भाई जान, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ईट एंड रीड होटल, फाइनली भाई पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे और हमारा होटल है ईट एंड रीड। ये जो होटल है ये भी हमारे तला भाई के BOP ट्रेवल्स की कस्टडी में ही है, और थोड़ा सा पहले है ये स्कर्दू सिटी से, स्कर्दू से 20 किलोमीटर पहले है ओपन। और ये बड़ा अच्छा नया बना हुआ यार है जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये एयरपोर्ट है सर सामने, बिल्कुल सामने एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट है, सुबह जहाज आते वक्त यहाँ से बिल्कुल मोड़ करके यहाँ से आते, यहाँ से लैंडिंग हो जाते हैं जहाज। ये सामने एयरपोर्ट है सर। ये देखें आप, अल्लाह की कुदरत देखें आप, कि यहाँ नीचे दरिया बह रहा है एक साइड पे, दूसरी साइड पे सहरा है, सहरा है। तो ये आपको स्कर्दू के अंदर ही नजर आएगी ये चीज़ें जो है ना, पूरा पूरा दरिया बह रहा है यहाँ पे भाई एक साइड से, यहाँ खूबसूरत नज़ारा है। और आप क्या बता रहे थे, एयरपोर्ट है यहाँ पे? हाँ ये सामने एयरपोर्ट है सर। अच्छा। जहाज भी, जहाज बिल्कुल इधर से आते से इधर से पुणे पे जाते, इधर से बिल्कुल सुबह टाइम पर लैंडिंग भी हो जाती है, बेहतरीन। जब तक हमारा रूम रेडी हो रहा है हम जरा झूला झूल लें, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। Your reception waiting area. Okay. जबरदस्त भाई। और यहाँ से ये व्यू, वाह भाई वाह। एक तो व्यू बहुत अच्छा है, दूसरा ये कि जो कमरा है जी जी वो भी माशाल्लाह अच्छा स्टैंडर्ड का कमरा है। बिल्कुल कोशिश की है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, नहीं 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 माशाल्लाह से जो है ना वो ज़बरदस्त सीन है। सेकंड फ्लोर पे आए हम, यहाँ पे थोड़ी हाइट पे ऑक्सीजन कम होती है इसलिए सांस फूल गई, लेकिन माशाल्लाह इधर से व्यू लेकिन जबरदस्त। क्या क्या बना रहे हैं सर? चौमिन बना रहे हैं सर, फ्राई राइस, शाचलिक, और एक हमारी ट्रेडिशनल डिश भी बन रही है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। क्या नाम है उसका? चिकन परपू सर। चिकन परपू, चिकन परपू। और यहाँ पे ये देखें आप, पानी की गिरी है सर, पानी की गिरी, इसको फूड चेना इसके पेस्ट बनाते हैं। अच्छा। हाँ फिर इसमें चिकन मिक्स कर लेते हैं। ये चिकन कॉर्न सूप बन रहा है इसका, चिकन कॉर्न सूप भी बन रहा है भाई। भाई ये फ़ायदा होता है ठंडे इलाकों में आने का कि गर्मी में जो है ना आपको सर्दी का मज़ा मिल जाता है। अभी यहाँ पे हमें ये अपर भी पहनना पड़ गया, ठंड भी हो रही है, सूप भी हम पियेंगे, क्या बात है भाई। ये आ गया भाई सूप, खाने के लिए तैयार है भाई सब? बिल्कुल तैयार है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ज़बरदस्त चिकन कॉर्न सूप लग रहा है भाई, कॉर्न इसके अंदर है और चिकन भी फुल ज़बरदस्त तरीके से लग रही है। पहले हम ज़रा बगैर किसी सॉस के टेस्ट करते हैं। बहुत ही गरम गरम सूप आया भाई माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह वाह, थोड़ा सा चिली सॉस और सोया सॉस की जो है ना वो ज़रूरत है। गरम गरम सूप, गरम सूप माशाल्लाह भाई, मज़ा ही आ गया नो डाउट। अभी चाइनीज़ भी आ रहा है। आ गए भाई राइस आ गए। ये मंचूरियन आ जाओ। ये क्या आया भाई? ये है सर चिकन पप्पू।
चिकन पप्पू पप्पू ये है भाई, ये है लोकल आइटम, प्रप्पू नाम है इसका। बोलने में लगता है पप्पू लेकिन पप्पू नहीं है, ये है चिकन प्रप्पू। ये हम जरा टेस्ट करके देखते हैं। पहले सबसे पहले चिकन प्रप्पू किस चीज़ से खाते हैं, राइस के साथ खाते हैं या ये रोटी के साथ लेते हैं? रोटी के साथ जी। चिकन प्रप्पू को मैं जरा पहले ऐसे ही ट्राई करूँगा विदाउट रोटी, इसको रोटी के साथ खाते हैं भाई ने बताया। बिस्मिल्लाह। अखरोट भी है इसमें? जी जी, क्रीम भी है, अखरोट भी है और खुबानी की गिरी भी इसके अंदर ऐड की गई है। चिकन है बहुत हेल्दी, खाते ही अखरोट का एक जो मोटा मोटा अखरोट है इसके अंदर, बहुत बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं है और बहुत मज़ेदार टेस्ट है यार। जी जी बिल्कुल, रोटी के साथ भी बड़ा मज़ा दे रही है। चाइनीज़ राइस भी ज़रा चेक कर लूँ। चाइनीज़ राइस टेस्ट करते हैं। चाइनीज़ भी मज़ेदार है भाई। जी बिल्कुल, शुक्रिया भाई। चाहे कॉन्टीनेंटल डिशेज़ हों, देसी डिशेज़ हों या यहाँ स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान की लोकल डिशेज़ हों, सब आपको यहाँ ईट एंड रीड होटल के मेन्यू में मिलेंगी और यहीं के डाइनिंग हॉल में हम इसको खाना खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार खाना है भाई, ज़बरदस्त यार। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। गुड मॉर्निंग हो गई है भाई। आज हम ज़रा साइट सीन करेंगे भाई, अभी नाश्ता हमारा रेडी हो रहा है, डाइनिंग रूम में लग रहा है, नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ साइट सीन करेंगे। सोक वैली जाएंगे, यहाँ पे अपर कचूरा लेक है और क्या है तला भाई एक चीज़, शंग्रीला रिजॉर्ट, उसको भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। तो आज के दिन जो है ना ज़रा हमारा रिलैक्स्ड घूमने फिरने वाला दिन है। सर ये हमारे कल्चरल डिशेस में आते हैं सर, इसको हम जो है ना अपनी ज़बान में अज़ोक बोलते हैं सर। अज़ोक सर, ये देसी आटे से बनते हैं सर, इसमें जो है ना अंडे होते हैं सर, देसी घी होते हैं सर और इसमें दूध मिक्स करते हैं। अच्छा, ये इसके साथ जो हम जो छोटे साइज के थे इसका हम जेरचुंग बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? जेरचुंग सर, हमारे यहाँ पे जो मशहूर है सर ये हम किसिर बोलते हैं सर। किसिर ये पराठे की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे स्पेशल गेस्ट रोज़ में बनाते हैं भाई। सबसे पहले बिस्मिल्लाह तो मैं इसी से करूँगा। ये है उज़ुक जी, ये अंडे से, मैदे से और इन सारी चीज़ों से ये जो है ना ये बनती है। पराठे टाइप का ये? बिल्कुल लोकल जो यहाँ का ऑर्गेनिक आटा है, फ्लोर ऑर्गेनिक आटे से बनाया हुआ है, तो अंडे के साथ खाएं। ये भाई जरचून और उर्जुक में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लग रहा। केसर ये पतले पराठे स्टाइल के ही हैं, ये बड़े सॉफ्ट हैं ये वाले इसके मुकाबले में। और यहाँ के खाने जो होते हैं वो सादा ही होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई मसाले वगैरह होते नहीं हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर देसी खालिस ग़ज़ाएँ आप खाएं इस तरह की तो बड़ी सेहत आपकी अच्छी रहेगी माशाल्लाह। वेरी नाइस। हाँ भाई, हम जा रहे हैं कचूरा की तरफ, अपर कचूरा की तरफ। और ये पहाड़, ये वादियाँ, ये नज़ारे, क्या बात है। तो फिर चले। ओके भाई, हम पहुंच गए हैं शंग्रीला रिजॉर्ट के मनाजर दिखाते हैं भाई आपको। भाई ये जो शंग्रीला रिजॉर्ट है ये 1960s-70s में ये बना था, आर्टिफिशियल लेक है, ये हार्ट शेप के अंदर बनाई गई है और काफ़ी एक्सपेंसिव रिजॉर्ट है ये। 40-50 हज़ार पर नाइट के हिसाब से यहाँ पे रूम के चार्जेस हैं, लेकिन लोग यहाँ पे घूमने के लिए भी आते हैं और इसको विज़िट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से और एक आइकॉन है ये स्कर्दू का। यार ये नीचे से तो आला ही व्यू आ रहा है भाई, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। देखिए फिशेस, मछलियाँ भी होंगी इसमें। वाह, हाँ मछलियाँ भी हैं भाई।
ये देख रहे हैं आप, व्यू देख रहे हैं भाई, क्या ज़बरदस्त व्यू है। सारी जो थकन थी ना वो यहाँ पे आके आपकी दूर हो जाती है सफ़र की। कचूरा रोड है, सोक वैली की तरफ हम रवा दवा है। पहुंच गए हम बिल्कुल सर, सोक वैली पहुंच गए। सोक वैली पहुंच गए हैं भाई। जी सर, क्या बात है। ये भाई सोक वैली, अभी रास्ते में हमने आते हुए देखा ना कि झरने बह रहे थे पूरे रास्ता जो हम आए हैं, तो पीछे से वो दरिया पानी चश्मे चलते हुए आ रहे हैं और उन्हीं नेचुरल वाटर को जो है ना वो यहाँ पे स्टोर करके यहाँ पे ट्राउट फिश की फार्मिंग की जा रही है, क्योंकि ये जो नेचुरल वाटर होता है ना उसी में इसकी फार्मिंग ठीक से होती है। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी यहाँ पे हमें ट्राउट फिश नज़र आ रही हैं। चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच में ये पूरी वैली बनी हुई है, इंतहाई खूबसूरत माहौल। इतनी खूबसूरत वैली है यार, लेकिन यहाँ पत्थरों के दामन में कोल्ड ड्रिंक के कैन, दूध के डब्बे, चिप्स के रैपर्स ये हमें नज़र आ रहे हैं। तो भाई प्लीज़ यहाँ पे आया करें तो इन चीज़ों की हिफाजत किया करें, जो भी कचरा हो भाई उसको एक थैले में डालें, डिस्कार्ड प्रॉपर तरीके से करें। ये हमारे एसेट्स हैं, अल्लाह ताला की कुदरत है, ये इसकी हिफाजत करें वरना ये सब भी ख़त्म हो जाएगा। ये देखें भाई, ये खड़ा हुआ है यहाँ पे याक, गिलगित बल्तिस्तान का ठंडे इलाकों का खास जानवर। इतने खूबसूरत है, सवाल अभी हम नीचे झील पे जा रहे थे। सलाम अलैकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं, मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या आइटम रखे हुए भाई? ये खुबानी बहुत है जनाब, बादाम भाई। यहाँ पर कचूरा लेक के ऊपर हम पहुँच चुके हैं, लेक जो है वो नीचे है, यहाँ पे ये शॉप्स वगैरह बनी हुई है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है। अच्छा, आप मेरे सब्सक्राइबर है शराफत भाई, अब हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। यहाँ पे इनका एक छोटा सा स्टॉल भी लगा हुआ है जिसके ऊपर ग्रीन टी और ये सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट भी है पीछे। शराफत भाई माशाल्लाह, तो ये छोटा सा तोहफा है और बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। आप जो व्यूअर, आप लोगों ने लाजमी बताना है गिलगिती टोपी में बल्तिस्तानी में कैसा लगेगा हमारे शहजादा भाई। भाई ये है ना मोहब्बत, ये होती है असल मोहब्बत। ये जो यादगार ही तोहफा भाई ने दिया है ना शराफत भाई ने, ये मेमोरेबल हो गया। झील जाने का रास्ता, तो फिर चले। पहुंच गए भाई, पहुंच गए मंदिर पे, पहुंच गए।
भाई अपर कचूरा लेक के लिए जब आप रास्ते में नीचे जाते हैं ना, तो ये आता है नज़ारा होटल, और यहीं से बोटिंग सर्विस के लिए भी आप अपनी बोटिंग सर्विस भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनका बड़ा ज़बरदस्त मेन्यू है, काफ़ी सारी डिशेज़ हैं, ट्रेडिशनल डिशेज़ भी हैं, लेकिन हमने जो है ना वो अभी, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे लोग भी हैं, तो हमने चिकन कढ़ाई, दाल सब्ज़ी जो रेगुलर आइटम होते हैं वो, और ख़ास जो ट्राउट फिश यहाँ की स्पेशलिटी है वो मंगवाई है। ये देखें भाई, ये है अपर कचूरा लेक और ये आई है हमारी ट्राउट फिश। तो भाई ऐसा माहौल हो, ऐसी प्यारी झील हो, खूबसूरत मंज़र हो, तो भाई खाना तो मज़ेदार बनता है भाई। और ये आई है हमारी फ्राई, फ्रेंच फ्राइज और रोटी, ज़बरदस्त। मैं तो भाई पहले टेस्ट करूँगा ये ट्राउट फिश। ये देखा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और हल्का सा मसाला है इसके अंदर, थोड़ा चाट मसाला भी ऊपर डाला हुआ है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई ये ट्राउट फिश जो है ना, इसका अपना जायका ही बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली ये जो स्किन होती है ना इसकी, बहुत ज़बरदस्त। ये जो माहौल है ना भाई, इसमें है खाना खाने का मज़ा, और नाम भी रेस्टोरेंट का है नज़ारा, तो नज़ारा भी साथ में है और मज़ेदार खाना भी साथ में है, क्या बात है। अपर कचूरा लेक से आके हमने चेक इन किया स्नो लैंड गेस्ट हाउस में, और जो पहले होटल था और जो बाद में होटल था, दोनों मिड रेंज के अंदर काफ़ी अच्छे मुनासिब होटल लगे मुझे। और अब हम आए हैं फूड कॉरिडोर पे, यहाँ पे हम खाना खाएंगे रात का, और यहाँ पे ये रिकमेंड किया है हमें जुल्फ़िकार भाई ने। जुल्फ़िकार भाई क्या कहेंगे आप? जी ज़िया भाई, जो आप पाकिस्तानी लोकल फूड है वो हर जगह खाते हैं, लेकिन फास्ट फूड के लिए जो फूड कॉरिडोर है वो स्कर्दू में, फिंगर पिज़्ज़ा वीज़ा ये सब मिलेंगे ना, कढ़ाई वढ़ाई चाइनीज़ वाइनीज़ ये सब खा लिया हमने, अब हम खाएंगे ज़रा पिज़्ज़ा, फास्ट फूड वगैरह, और उसके बाद फिर ज़रा रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज का दिन हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा है, और आते आते जाहिर सी बात है थकन भी हो ही जाती है। तो अभी मज़ेदार पिज़्ज़ा इन्जॉय करेंगे और फिर आराम करेंगे, ज़बरदस्त। ओके, क्या आ गया भाई? गोश्त, रोस्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, फ्राइड राइस भाई, बड़ी भूख लग रही है इस पर जो है ना, और रहा नहीं जा रहा मुझसे, तो सीधी बात है फ्राइड राइस भी आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भूख लगी हो और गरम गरम पिज़्ज़ा हो, राइस हो, रोस्ट हो, फ्राइज हो, वेरी नाइस। देखिए ड्रम स्टिक भी हम चेक कर लेते हैं भाई, थोड़ा क्रम ज़्यादा है इस पर, लेकिन ये चीज़ बिस्मिल्लाह। तो भाई स्कर्दू के अंदर आपको लोकल डिशेस भी मिलेंगी, चाइनीज़ भी मिल जाएगा, फास्ट फूड भी मिल जाएगा, और जब भूख लगी हो सारे दिन के बाद घूमने फिरने के बाद आप रात में आएँ और आपको गरम गरम पिज़्ज़ा मिल जाए, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती भाई, ज़बरदस्त। जी स्कर्दू में काफ़ी सारा हमने आज घूमा फिरा और काफ़ी अट्रैक्शंस देखी यहाँ की, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये पूरा ट्रिप मेरा मैनेज किया BOP ट्रैवल्स ने, आप भी उनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल मौजूद हैं, और आप BOP ट्रैवल्स के साथ ट्रैवल करें या किसी भी ट्रैवल एजेंसी के साथ, टूरिस्ट टूर ऑपरेटर के साथ ट्रैवल करें, आप उनसे पहले से सारी चीज़ें डिस्कस कर लें कि होटल कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, वेदर कैसा होगा, कपड़े कैसे जाने चाहिए, एक्सपेंसेस किस तरह के आएंगे, कितनी लंबी ट्रैवल है, कितनी देर लगेगी कहाँ पहुँचने में, अगर आपके साथ बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, उनके हिसाब से किस तरह का ट्रैवल होना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने पूरा ट्रिप किया है ये मैंने कस्टमाइज़ किया है, अपने हिसाब से किया है, और आप भी इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, वरना ग्रुप टूर्स वगैरह भी होते तो आप जैसा चाहें वैसा प्लान कर सकते हैं। आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।